गाइस, आज हम क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 करेंगे, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, चलो करते। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर हैज रैशनल और इरैशनल। फर्स्ट है 2 - √5। हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये इरैशनल होगा, तो हम लिख देंगे इधर इरैशनल। फिर सेकंड है ब्रैकेट 3 + √23 ब्रैकेट -√23। सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर 3 + √23 - √23। प्लस माइनस कट जाता है तो कट गया, तो यह आया 3। ये होगा 3 रैशनल होगा, राइट? हम इधर लिख देंगे रैशनल। फिर हम थर्ड करते हैं 2 √7 / √7। सॉल्यूशन, हम इधर लिख देंगे 2 √7 / √7। कट जाएगा 7, फिर इधर आएगा रैशनल। फिर फोर्थ करते हैं 1 / √2। सॉल्यूशन, हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये इरेशनल होगा क्योंकि रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो हम इरेशनल लिखेंगे। फिर फिफ्थ होगा, फिफ्थ है 2 π। पाई हमेशा इरेशनल होता है, तब हम लिख देंगे इरेशनल 2 π r इरेशनल। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। फिर हम क्वेश्चन 2 करते हैं, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। हमको इसको सिंपलीफाई करना है, जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं 3 ( √3 / √2। हम ऐसे करेंगे, फिर हमको 3 से इनको डिवाइड करना है, फिर इससे इसको डिवाइड करना है, तो हम इधर रखेंगे 3 ( √2 फिर इधर करेंगे √3 ( √2। हम ब्रैकेट है जिसको मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 होगा, तो फिर प्लस 3 और √2 है, हम इधर लिखेंगे 3 √2। फिर प्लस है तो प्लस, और 2 √3 आएगा क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ 2 है, तो बाहर आएगा 2। फिर हम प्लस, फिर √6 3 × 2 = 6। आज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया है। अब सेकंड करते हैं ब्रैकेट 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। सॉल्यूशन, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर से, चलो करते हैं 3 ( √3 फिर इधर कर देंगे √3 ( √3। तो हमें इसको पता है ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = 9।